हे एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल ट्रूथ ऑल एक्सपोज डार्कनेस तो कैसे सब लोग आई होप एवरी वन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू एट सो आज का जो टॉपिक है गाइज वो इस तरह से है कि आपकी जिंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है ऑल ऑफ अ सडन ऑल ऑफ अ सडन डेफिनेटली वट इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ आपकी जिंदगी में अचानक से क्या हो सकता है क्या आ सकता है सो लेट्स सी लेट्स फाइंड आउट प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यूनिवर्स पिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अचानक से क्या हो सकता है अचानक से उनको क्या प्राप्ति हो सकता है प्लीज़ बताएं यूनिवर्स डू हैव द शाह वर्ड्स ओके यहाँ पे है एट ऑफ स्टाफ देखो मैंने आपको कहा ना कि अचानक से क्या हो सकता है और वहां पे इस तरह से ही आ रहे हैं कि एट ऑफ स्टाफ थ्री ऑफ कप्स सितारा दट इज अस्टार कार्ड दुनिया वो मेजर का नाम वि डू हैव सेवन ऑफ वर्ड्स नॉट एंड इशू, ओके बॉटम ऑफर हमारे पास है सन ऑफ कॉइन्स एंड यहाँ पे है टू ऑफ कप्स ठीक है सो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेके आती हूँ इसको भी सामने लेके आते हैं हम एक्वेरियस जमुना एंड लीब्रा यहाँ पे है

कि आपका जो है ना एक्सपेक्टेशन उम्मीद जो है लोगों के ऊपर कम हो चुका है जैसे लोग आपके लिए करेंगे आप ऐसा सोच नहीं सकते आप हमेशा ही डिसअपॉइंट होते हो बहुत सारे लोगों से जिनके ऊपर ही आपने उम्मीद रखा कि ये बंदा या बंदी जो है मेरे लिए काम कर देंगे या ये हो जाएगा इनसे या मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इन लोगों से और ख़ास करके उन्हीं लोगों से आपको प्रॉब्लम्स होते हैं और आप अपने अंदर जो है दर्द जो है उसको ना बयान कर पाते हो ना उन लोगों को समझा पाते हो जब लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं उनका काम निकल जाए बस वो और आपको पहचानते नहीं है एंड दिस मेक्स यू लाइक फील वनरेबल बहुत ज़्यादा आपको कष्ट होता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप आ जाते हैं कि मैं किसके ऊपर करूं तो ट्रस्ट क्या करूं मैं ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ सो ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हो सकता है कि आपने किसी के ऊपर किया था ठीक है बहुत भरोसा मतलब ए टू जेड आप उन्हीं के ऊपर सब कुछ काम दिया करते थे आपका फाइनेंशियल जो भी था कैलकुलेशंस में भी आपने किसी अकाउंटेंट को रखा था या किसी और को रखा था स्पेसिफिकली इन द कैश सेक्शन हो सकता है कि आप बिजनेस चलाते हैं या आप एक एम्प्लॉय है ऑलरेडी आप एक मैनेजर है बट आपने अपने जूनियर के ऊपर काफ़ी ट्रस्ट किया बट उसने क्या किया उसने फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स करवा के आपके नाम पे देने की कोशिश किया या आपके नाम पे उसने दे दिया सो सम फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स हैड बिन मेड या हो सकता है कि इन फ्यूचर वो ऐसा करे तो उससे पहले आपको सतर्क रहना चाहिए ना अच्छा ही आपके लिए क्या आ रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि रिश्ते में जो खूबसूरत पल आप मिस कर रहे थे एंड अगेन यू आर यूनाइटिंग विथ योर पार्टनर अगेन यू आर री यूनाइटिंग विथ योर पार्टनर एंड यू आर वॉकिंग द यू कैन से द रोड विच हैज़ बिन लेस ट्रेवल्ड बाय अदर्स लोग जो उस रास्ते पे चले ही नहीं उनको पता ही नहीं है वो रास्ता कहाँ जाता है बट वो रास्ता खुशियों की तरफ जाता है वो रास्ता कहीं ना कहीं पे एक सुकून देता है वो रास्ता कहीं ना कहीं पे रोजगार के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा रहे हैं जो आपको पता चल जाएगा उस रास्ते से जाने के जाने का जो है ठिकाना जो है क्या है कैसे पहुंचना है एवरीथिंग यू विल नो सो सम हिडन कॉन्सेप्ट आपके आपने जो पढ़ा था एक समय पे जो कॉन्सेप्ट क्लियर था आपका उसी को प्रयोग करते हुए आपका फल बहुत अच्छा आ रहा है थियोरी आपने बहुत अच्छा से जाना अभी प्रैक्टिकली आप जब आप कर रहे हो तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा ही आएगा मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप किसी भी एज के कपल हैं सो आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है हो सकता है कि आपके पार्टनर का हेल्थ अच्छा नहीं जा रहा था या हो सकता है कि वो आपके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे या कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आप दोनों में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहा था किसी थर्ड पार्टी को लेकर मतलब कोई ऐसा था रिश्तेदारी में कि जिसके वजह से ऐसा हो रहा था वो चीज़ ख़त्म होगा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स आर डेफिनेटली देर ठीक है यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लाइक आप बहुत ही कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हो बट बहुत जल्द ही जल्द वो एक्सपीरियंस करोगे अभी ये एक्सपीरियंस आपके सुकून भरा है एंड जैसा बोला जाता है जो नीचे होता है वो ऊपर भी आता है और जो ऊपर आता है वो नीचे भी होता है वट कम्स अराउंड एंड गोज अराउंड जैसा जैसा आपने कर्म किया है वैसा वैसा ही आपको मिलेगा इस दुनिया में अगर आप फेस करने वाले हैं इन फ्यूचर मुझे जो दिख रहा है बहुत ही अच्छा सुनहरा समय हैप्पी गोल्डन पीरियड ऑफ योर टाइम सो ऑब्वियसली इट इज़ योर पास्ट कर्मा दैट विल गिव यू द इफेक्ट अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ इन फ्यूचर हो सकता है कि ऑल ऑफ़ आप हार्ट हुए आप हुए हैं या वो भी आपके कार्मिक इन्फ्लुएंस की वजह से ही हो रहे है। आप ना उस दौरान एकदम मतलब डटे हुए रहना कि ठीक है ये समय जो है वो निकल जाएगा क्योंकि निकल ही जाएगा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो रहेगा बट वो निकल जाएगा किसी और के ऊपर ट्रस्ट अगर आपने किया बहुत ज़बरदस्त ट्रस्ट किया तो सेबोटाज यहाँ पे होना ही है बिकॉज आई आई डोंट थिंक सो दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इट इज गोइंग टू हैपन बट इफ़ यू डोंट ट्रस्ट इफ़ यू चेक अगर आप चेकिंग करते हैं अगर आप वेरीफाई करते हैं कोई लिंक भेज रहा है अगर आप बिना जाने बिना पहचान आप उस लिंक को क्लिक कर रहे हो दैट कैन यू ठीक है सो बेसिकली वेन एवर यू आर साइनिंग सम डॉक्यूमेंट्स वेन एवर यू आर डूइंग समथिंग मेक श्योर दैट इट इज ऑलरेडी अ जेन्यन अकाउंट वेरीफाइड अकाउंट उस तरह से आप करो वरना क्या है कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ेंगे ऑल ऑफ अ सडन जिस तरह से अच्छे न्यूज़ आपके लिए आ रहा है लेकिन आपको कॉशस भी रहना है ठीक है फ्रेंडली होना है बहुत सारे फ्रेंड्स कनेक्शंस हैप्पी मोमेंट्स डांस बहुत ज़्यादा पार्टीज मूड ठीक है बन रहा है पार्टी का मूड बन रहा है पार्टी कर रहे हो बहुत अच्छा बात है लेट नाइट पार्टीज भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बट यू शुड ऑलवेज मेक श्योर दैट द कंपनी विच यू आर कीपिंग जो कंपनी के साथ मतलब जो फ्रेंड्स के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे are they trustable, हो आर दे ट्रस्टेबल ठीक है हो सकता है कि वो ना हो कुछ लोग उनमें से ना हो सो बेसिकली यू नीड टू मैं नहीं बोल रही हूँ कि सबके ऊपर आप शक करें बट आप थोड़ा सा अलर्ट रहे क्योंकि जो दिख रहा है वो तो बोलना पड़ेगा किसी और जगह से आपके लिए एक मेल आ सकता है जहाँ पे उस मेल को खोलने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली फैक्ट्स क्या है कुछ इंफॉर्मेशन आपने हो सकता है कि ई बुक आपने परचेज किया है ई बुक इलेक्ट्रॉनिक आप जानते ही है किंडल एडिशन और उस किताब को पढ़ते पढ़ते आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो रहा है काफ़ी ज़्यादा विद इन अ डे में भी आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा कि अच्छा ये चीज़ ये है अच्छा वो चीज़ ये है सो इट विल हैपन वेरी सुन एंड शॉकिंगली देर विल बी सम चेंजेस ठीक है जैसे होता है ना कि कुछ चैप्टर्स आपने पढ़े नहीं थे लेकिन आप जब पढ़ रहे हो उसको रिवाइज कर रहे हो आप देख रहे हो कि न्यू इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स बाहर आ रहे हैं उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग ऑलरेडी अगर आप इन द फील्ड ऑफ एयरलाइंस में हैं ठीक है फ्लाइट में हैं ऑब्वियसली इन द फील्ड ऑफ यू कैन से दैट आई 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 एम जस्ट फमलिंग ओवर हि एयरफोर्स में हैं तो so ऑब्वियसली हो जाता है कि आपको तुरंत बोला जाए कि आप अपने जगह पे रिपोर्ट करें एमरजेंसी सिचुएशन है यू हैव टू डील विद दैट उस तरह से भी दिख रहा है सो so मुझे यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट एवरीथिंग जो होने वाला है वो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कुछ लोग ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हो सकता है कि आपके सेलिब्र आपका जो एक स्टारडम है आपका जो एक स्टेटस है अचानक से उसका हाइट बढ़ेगा यू विल अटेन सक्सेस लाइक ऑल ऑफ अ सडन मतलब जो आपने सोचा नहीं था कि अरे इसके ऊपर मेरा तो ध्यान ही नहीं था अचानक से वो पब्लिश हो गया जैसे होता है ना कि कुछ गाने ठीक है ऐसे ही बनाए गए थे लेकिन अचानक से वो हिट हो जाते हैं इट्स लाइक दैट वट इज गोइंग टू हैपन नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स यूनिवर्स पेट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में ऑब्वियसली अचानक से क्या होने वाला है अचानक से क्या हो सकता है प्लीज गाइड करें तीन कार्ड हमारे पास यहाँ पे आ गए ओके वी डू हैव द स्टार गे okay. सेट योर साइड्स हायर यहां पर स्टार गेस है दिस इज ऑल्सो अटार एनिमल गार्जियन ट्रस्ट योर इंस्टिंग और यहाँ पे है फायर गार्जियन इग्नाइट योर पैशन बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्पिरिट फॉक्स ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप कुछ समय के बाद ऐसा जरूर होने वाला है ऑल ऑफर सा आपके जो सिक्सेंस है आप जो परसीव कर रहे हैं आप जो ले रहे हैं ठीक है उससे आप जो मतलब रिसीव कर रहे हैं चीजों को वो अलग तरीके से रिसीव कर रहे हैं मतलब क्या है लोग जिस नजरिए से उसको देख रहे हैं आपका नजरिया कुछ और ही है ठीक है इससे क्या हो रहा है इंफॉर्मेशन फैक्ट्स जो भी हो वो आपके दिमाग पर जा रहा है लॉजिकली यू आर ऑल्सो बिकमिंग सो स्मार्ट एंड इन योर यू कैन से दैट अवेयरनेस ऑल्सो आर बिकमिंग सो स्मार्ट सो बेसिकली दिस इज द वर्ल्ड where स्मार्टनेस ओनली इज रिक्वायर्ड सो यहाँ पे स्मार्ट वर्क की जरूरत है तो आपका अगर कोई प्रोफेशन इस तरह से जहाँ smart work है जहां पे स्मार्ट वर्क की जरूरत है वहां पे ये चीज बहुत अच्छा से काम देगा ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा आएगा यार ये तो मैं जानती हूँ ये इसको ये तो मुझे पता है ये तो मैं कर ही सकती हूँ ठीक है मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए कुछ काम जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हैं लेकिन आप कर लोगे क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा प्यार है इसमें मेरा इंटरेस्ट है इसमें ठीक है खाना लोग बनाना चाहते हैं क्योंकि खाना खाना सबको पसंद है ठीक है और जो अच्छा खाना बनाते हैं उसका मतलब ये भी होता है कि वो खाना अच्छा खाना खाना भी जानते हैं और उनके उनका एक पैशन भी है टू मेक द फूड बट मेकिंग द फूड इज़ नॉट एनफ उसके अंदर लव होना चाहिए प्यार दो तो सब कुछ और भी स्वादिष्ट हो जाएगा सो so यहाँ पे प्यार से आप जो काम कर रहे हो वो लाजवाब होगा एंड इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड डेफिनेटली विल बी इन द लाइमलाइट लाइमलाइट पे जाते हुए मुझे दिख रहे हो आप ओके एंड लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस क्यूब्स हम क्यूब्स से थोड़ा सा देख लेते हैं सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ यूज़ दैट ऑल ऑफ अ सडन क्या होने वाला है ऑल ऑफर सभी क्या हो सकता है प्लीज़ बताएं न फर्ज यहाँ पे मुझे इस तरह से ही दिख रहा है आई टोल यू दैट अगर आपकी इंटरेस्ट किसी कुछ ऐसी चीज़ में है जहाँ पे शायद बहुत सारे लोग अपोज कर रहे हैं बट आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक हाइट तक पहुँच रहे हो द पावर द ऑथोरिटी कुछ शॉकिंग इवेंट्स हो सकते हैं जो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाए लेकिन 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 वो आप बर्दाश्त भी कर पाएंगे क्योंकि वो आपके लिए एक नया दरवाजा खोल देगा ठीक है आपको पता चल जाएगा विल बी सो मच अवेयर ऑफ दैट हो सकता है कुछ कंपनी के बारे में हो हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स के बारे में हो सकता है कि आपके पार्टनर के बारे में हो कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो आपको जानकारी तो होगा लेकिन उससे क्या होता है उससे सिचुएशन कोलैप्स नहीं हो जाएगा आपका आपकी जिंदगी कोलैप्स नहीं होगा बल्कि एक नया दरवाजा आपके लिए खुला होगा यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है जैसे आई टोल्ड यू रिगार्डिंग स्पेस ऑल दिस थिंग्स आपका इंटरेस्ट और भी बढ़ेगा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीज़ों के बारे में पृथ्वी के बाहर के बारे में अनाथ डायमेंशन के बारे में ऑकल्ट के बारे में स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिफरेंट एनर्जीज के बारे में ऑब्वियसली और मुझे यहाँ पे दिख रहा है मेटाफिजिक्स के बारे में ठीक है और ये जितना ज्ञान के जो पन्ने हैं ये पलट मतलब आप एक के बाद एक पलटते रहोगे आप देखोगे कितना पावरफुल हो रहे हो आप और मुझे ये भी दिख रहा है लाइक like, खुशी जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा इसे ऑल ऑफ़ अ सडन अगर आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट्स हैं वो दरवाज़ा आपकी खुशी के लिए हो रहा है ठीक है इट इज़ नॉट लाइक दैट दैट अगर एक टावर आ रहा है तो आपके लिए वो खराब ही होगा नहीं टावर इज़ अगेन अ पोजिशन ऑफ ऑथोरिटी एंड सुप्रीम पावर आप अपने जो है नीब पे खड़े होंगे फिर से अगेन यू विल रीगेन योर कॉन्शियसनेस अगेन यू विल रीगेन योर स्ट्रेंथ सो दिस इज़ ऑल अबाउट टू रीडिंग आई आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी लव यू लॉड टेक केयर ऑफ़ योर सर्वेंट